पानी सब लगभग इन सभी घरों के नीचे वाले फ्लोर में पानी घुस गया है। जिस गांव में देख सकते हैं पानी घुस गया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वापस से एक देवरिया जिले के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हैं हम देवरिया जिले के मईल क्षेत्र में। देख सकते हैं पीछे मेरे मईल चौराहा है और ये मंजर जो है मईल चौराहा का है। देख सकते हैं यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 5 से 10 किलोमीटर पे घाघरा नदी है। भागलपुर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस नदी का पानी है। ये सब देख सकते हैं जितने भी अगल बगल के गांव हैं, सारे गांव में देख सकते हैं पानी घुस गया। लगभग सब घर के नीचे वाले फ्लोर में मेरे ख्याल से पानी घुस गया होगा, जिससे कि लोगों को यहां पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी स्थानीय लोग इस मार्ग से आ रहे हैं जा रहे हैं, देख सकते हैं पीछे मेरे अभी आप लोग, तो ये मंजर है मईल का, देख सकते हैं आप लोग, कैमरे से दिखा रहा हूँ। अभी भी देख सकते हो आप लोग इस रोड के ऊपर कितनी तेज पानी की धाराएं चल रही हैं, और बगल में इधर देख सकते हो पूरा पानी लगा हुआ है अभी भी, कितना ज़्यादा देख सकते हो आप लोग। इधर के गांव तो मेरे ख्याल से पूरा घर डूब ही गए हैं, देख सकते हो आप लोग, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ। इधर भी देख सकते हो आप लोग, देख सकते हैं भाई जितने घर हैं इधर के साइड इस रोड के किनारे, देख सकते हैं आप लोग अभी इस रोड की तरफ जितने भी गांव हैं, लगभग इन सभी घरों के नीचे वाले फ्लोर में पानी घुस गया है, जिससे कि इन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। जितने भी यहां के स्थानीय लोग हैं देख सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा यहाँ के लोगों को। देख सकते हैं यह नज़ारा मईल चौराहा का। तो आप सभी को बता दूं गाइस कि यह जल स्तर नेपाल वालों ने पानी छोड़ते, इस वजह से जितने भी नदियां हैं, उस बड़ी बड़ी नदियां जैसे घाघरा नदी होगी, सरयू नदी, सबका जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जितने भी नदी के किनारे वाले इलाके हैं, गांव हैं, वो डूब रहे हैं। फिलहाल आप सभी को मैं बता दूं कि अभी यहाँ का भी जल स्तर, अभी मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से 2-4 लोगों से पता किया तो अभी पता चला कि यहाँ का जल स्तर अभी 1-2 दिनों से जल स्तर यहाँ का घट रहा है। देख सकते हैं घाघरा नदी का पानी ही यहाँ तक बढ़ के आया है, जिससे कि इस अगल बगल के गाँव के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रवाहित हैं। आप लोग सोच सकते हैं जिनके घरों के अंदर पानी घुस गया हो, वो लोग कैसे रह रहे होंगे इन घरों के अंदर। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है इस गांव के लोगों को, देख सकते हैं यह मंजर है मईल चौराहे का, मईल गांव का। देख सकते हैं पीछे मेरे मईल चौराहा है। देख सकते हैं अभी फिलहाल तो लोग, यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि कल से यहां का जल स्तर जो है, पानी का जल स्तर अभी कम हो रहा है। अभी 2-4 दिन पहले यहां का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, फिलहाल 1-2 दिन के अंदर से यहाँ का जल स्तर अभी घट रहा है। चलिए यहाँ से बाबा से पता करते हैं। ए बाबा, आपका यही घर है? तो ये पानी अभी घट रहा है कि अभी भी बढ़ ही रहा है यहाँ का? घटा था, को दिन से घटा था बाबा? कल से घटा था। एक रही पहले है ना गाँव डूबल का अगल बगल में, घर के लोग के अंदर पानी घुस गया घर के लोग के अंदर। तो यहाँ पे मतलब सरकार को मतलब कुछ पहुँचाओ तो उचाओ दिया कि ना राशन पानी? राशन पानी में रहा, जेकर घर डूब गए खाती। हाँ हाँ, उधर ही जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, चलिए बहुत तो अभी पिछले दिन से पानी घट रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत है। फिर भी देख सकते हैं इस रोड पे कितनी तेज पानी की धाराएं चल रही हैं, देख सकते हो आप लोग। तो बस आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं तक का था, बाकी हमारा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। देवरिया जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो आप देवरिया जिले से मेरे चैनल के थ्रू देख पाएँ। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।